दोस्तों, आज मैं आपके साथ महाराष्ट्र के फेमस ऐसे वड़ा पाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, पर ये वड़ा हम बनाएंगे बिना तले। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। आज हम नो फ्राई वड़ा बनाने वाले हैं और विदाउट एयर फ्रायर बनाने वाले हैं। तो क्या है ये वड़ा पाव की खासियत, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। खास टिप्स और ट्रिक के साथ ये वीडियो है। जो डाइट या हेल्थ कॉन्शियस है ना, तो उन्हें कभी अलग खाने का मन करता है तो ये खा भी सकते, पर बिना ऑयल का है। तो आगे बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। नमस्ते दोस्तों, फारूल भानुशाली की रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आप ये चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हमने यहाँ पर बिना ऑयल का बना रहे, तो इसके लिए एक कढ़ाई में हमने एक टीस्पून ऑलिव ऑयल ले लिया है, और उसमें हमने ले लिया है एक चम्मच राई, 1/4 टीस्पून हींग और एक चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट, और एक चम्मच हमने ले लिया है अदरक की पेस्ट, और 8 से 10 करी पत्ता। और ये जो तड़का है ना, उसे हम एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सौते कर लेंगे। हम यहाँ पर बिना ऑयल का बना रहे, तो इसके लिए हमने तड़के में भी बहुत ही कम तेल का यूज़ किया है, और यहाँ पर हमने ले लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए 4 से 5 मीडियम साइज के आलू, और बहुत ही अच्छे से हम इसको पका लेंगे। मतलब कि उबले हुए तो है, पर इसमें बहुत अच्छे से सौते कर लेंगे। और अभी हम इसमें ले लेंगे 3 से 4 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, और स्वाद अनुसार नमक भी हमने ऐड कर दिया है। और अभी हमें ना इसे बिना तले बना रहे, तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया, और उसके ऊपर एक रिंग रखना है, और उसके ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे। जब तक हमारा पानी गर्म होता है, तो हम एक साइड में बेसन का घोल भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप बेसन, और उसमें हमने ले लिया है 1 चम्मच अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और 1/4 टीस्पून हमने ले लिया है हींग। और अभी हम इसका है ना थोड़ा सा पानी ऐड करके एकदम थिक बैटर बनाएंगे। अभी हम इसे तलने वाले नहीं है, तो हमें है ना यहाँ पर बहुत ही संभाल कर पानी यूज करना है। मतलब कि बहुत ही कम पानी लेकर इसका गाढ़ा बैटर हमें बनाना है। अभी हमारा बैटर रेडी है, तो हम इसमें ले लेंगे 1/4 टीस्पून से भी कम इतना इनो फ्रूट सॉल्ट। और अभी हमने जो छोटे छोटे से जो वड़ा बनाया है ना, उसे हम बेसन के घोल में डाल देंगे। तो आप देख सकते हो कि आगे की मेथड हमने सेम ही रखी है, कि जो नॉर्मल हम वड़ा बनाते हैं ना, उसी की तरह। पर हमने ना तड़के में भी बहुत ही कम तेल लिया था, मतलब कि 1 टीस्पून, और एक साइड हमारा जो पानी भी गर्म हो चुका है, और उसके ऊपर हमने ना ऐसी छन्नी रख दी है। आपके पास ऐसी छन्नी ना हो तो आप एक थाली का भी यूज कर सकते हो। और अभी हम क्या करेंगे, आप वीडियो में देख ही सकते हो कि हमारा पानी भी है ना उबल रहा है अंदर, और उसके ऊपर हमने जो छन्नी रखी ना, छन्नी में हम एक एक वड़ा रखते जाएंगे। जैसे हम तेल में डालते ना, सेम उसी तरह हम छन्नी में एक एक वड़ा रखते जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि जो हम इसको ढकेंगे ना, तो उसकी वाप से जो पानी वड़े के ऊपर भी नहीं गिरना चाहिए। तो उसके लिए हमने ना एक जो कपड़ा होता है ना कॉटन का, या जो नैपकिन होता है, उसे हमने पूरा कवर कर दिया है। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि ये करना बहुत ही जरूरी है, वरना क्या होगा, जो स्टीम होगा ना, उसका पूरा पानी ऊपर का वड़े के ऊपर गिरेगा। तो वो ना गिरे, उसके लिए हमने ना इसको अच्छे से ढक लिया है, और जो कपड़ा है ना, वो भी हमारे वड़ा को टच नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ना टॉप में उसके जो कपड़े के ऊपर है ना, एक सेफ्टी पिन भी लगा दिए। और यहाँ पर हम हाई फ्लेम पर 8 से 9 मिनट के लिए ये वड़ा को स्टीम कर देंगे, मतलब कि हमारा जो बेसन है ना, वो अच्छे से पक जाए तब तक। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि 8 से 9 मिनट के बाद जब मैं इसको चेक कर रही हूँ ना, तो हमारा पानी भी बहुत अच्छे से उबल रहा है। जो बीच में हमने एक प्लेट रखी थी ना, उसमें थोड़ा थोड़ा सा बेसन की बूंदे गिरी है, और आप वीडियो में देख सकते हो कि हमारा जो बेसन के वड़ा है ना, वो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके है। जो हमने बेसन वाला घोल बनाया था ना, वो अच्छे से स्टीम हो चुका है, और जो साइड में हमारा बेसन फैल चुका है ना, उसे हम नाइफ की मदद से हटा देंगे।
और जो ये बेसन फैला हुआ है ना, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ढोकले के जैसा, तो उसे भी आप वेस्ट ना करें। और ये करना जरूरी नहीं है, पर हमें ना एक अच्छी सी फिनिशिंग चाहिए, तो इसके लिए हम इसको हटा रहे। और आप चाहे तो इससे भी ज्यादा है ना थिक बैटर बना सकते हो बेसन का। और अभी हमने क्या किया है, एक नॉनस्टिक में है ना 1/4 टीस्पून से भी कम उतना सिर्फ ब्रशिंग किया है ऑलिव ऑयल का, और उसके ऊपर हमारे जो स्टीम किया हुआ बेसन वाले आलू के जो वड़ा है ना, उसे हम हल्का सा सौते कर लेंगे। मतलब इससे क्या होगा, थोड़ा सा है ना ऐसा लगेगा कि एकदम ऑयल वाले है ना, ऐसा ही इफेक्ट आएगा। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि हमने 1/4 टीस्पून से भी कम इतना सिर्फ ग्रीस किया था, तो हमारे वड़ा तो रेडी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे जो नॉर्मल पाव होते हैं ना, वो हमने ले लिया है, और उसके ऊपर हमने बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में जो हमारा महाराष्ट्रियन ठेसा आता है ना, जो महाराष्ट्रियन वड़ा पाव की चटनी, वो अच्छी क्वांटिटी में लगा लेंगे, मतलब कि चम्मच से फैला देंगे। और बीच में हमारा जो हमारा स्टीम किया हुआ आलू और बेसन वाला वड़ा है वो रख देंगे, मतलब कि नो फ्राई वड़ा। तो रेडी है हमारा मिनटों में ही नो फ्राई वड़ा, जिसे आप ऑयली ऑयली खाकर बोर हो जाते हो ना, तो उसके बदले में एक डिफरेंट है। और हमारे हेल्थ के लिए भी अगर देखा जाए ना, तो रोज रोज तो हम ऑयली खा नहीं सकते, तो एक अलग वैरायटी भी मिल गई और एक टेस्ट भी मिल गया है। और दोस्तों, अगर आप गुजरात में ऐसे वड़ा पाव खाते हो ना, तो वहां पर ये जो महाराष्ट्र चटनी है ना, उसे तेल में हल्का सा सौते करके फिर वड़ा पाव के साथ पेश किया जाता है, और साथ में खजूर इमली की चटनी भी होती है। पर महाराष्ट्र में ऐसे ही महाराष्ट्रियन चटनी और हरी मिर्च के साथ सर्व किया जाता है, तो मैंने सेम उसी तरह ये वड़ा पाव सर्व कर लिया है, मतलब कि हमारी चटनी के साथ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।